बिगिन सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. एक SHM का सवाल होगा, एक सर्कुलर मोशन का सवाल होगा और एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड्स का होगा. सो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग अस द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस. ये हमारे पास एक डिफाइनिंग इक्वेशन है. आइडेंटिफाई द सिंबल्स इन द इक्वेशन. हमारे पास A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है. ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है? ठीक है, लोगों ने इसके अंदर इवन ये भी लिख कर आए थे ओमेगा. अबे भाई ओमेगा तो सिंबल का नाम है भाई, क्या हो गया? ये भी मैंने पढ़े हैं, आप लोगों की क्लास में हीरे हैं जिन्होंने ओमेगा भी लिखा है और फिर कन्फ्यूजन मेजर ये किए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पर ये लोग एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड लिख कर आए हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. ये नहीं हो सकता, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. ऑल्दो हमारे पास ओमेगा दोनों केसेस में 2π/T के बराबर होता है या ओमेगा इज इक्वल टू 2π/F के बराबर होता है. यहाँ तक भी पहुँच गए. फिर ये मुझे कह रहा है कि x क्या है. x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट एज इट इज. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मत लिखना. स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन. नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस ये है कि एक्सेलरेशन is always opposite to the displacement. मैं लिख देता हूँ the direction of acceleration, the direction of acceleration. statement अपने इसी तरीके से लिखना paper के अंदर. the direction of acceleration is always opposite to the displacement. is that clear? यहाँ तक भी हो गया. अब ये वाला सवाल आया था जो कि पता नहीं क्यों फॉर सम ऑड रीजन यू गाइस फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. इट वाज वेरी वेरी बेसिक सवाल. इधर देखो, द फ्रिक्शन लेस ट्रॉली ऑफ मास m इज हेल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय मींस ऑफ टू सिमिलर स्प्रिंग्स. अच्छा, दोनों सिमिलर स्प्रिंग्स है, यानी इसका कहने का मतलब ये है, सिमिलर स्प्रिंग्स का मतलब होता है कि दोनों स्प्रिंग की जो स्प्रिंग्स हैं उनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एग्जैक्टली सेम है. यानी अगर एक k है तो दूसरे का भी k है. यहां तक बात क्लियर हुई? फिर ये मुझे कह रहा है द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू फिक्स्ड पॉइंट्स एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.1. हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट पे लगा हुआ है. व्हेन द ट्रॉली इज इन इक्विलिब्रियम द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग इज ई. अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम यानी मिडिल पोजीशन में है तो दोनों में एक्सटेंशन ई आ रही है. इसका मतलब है कि दोनों में ही मेरे पास टेंशन होगी, सही है? ये बात समझ में आई? फिर मुझे कहता है द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स टू द राइट. इसने क्या किया, इस ट्रॉली को थोड़ा सा राइट साइड पे इसने इसको पुश किया है. जब इसको पुश किया और उसको जब पुश किया है वो स्मॉल डिस्टेंस एक्स था, तो टेक्निकली यहां पे मेरे पास फोर्स बड़ी होगी. यहां पे मेरे पास एफ, इसको मैं L नाम देता हूँ लेफ्ट साइड, एफ एल शुड बी इक्वल टू के इन टू ई प्लस एक्स हो जाएगा इधर, और वहां पे मेरे पास हो जाएगा एफ आर एफ राइट इज इक्वल टू के इन टू ई माइनस एक्स. ये मैंने कराया हुआ था सवाल, लाजमी कराया हुआ था. सिर्फ इस बार इसके अंदर हमारे पास रादर देन वैल्यूज वी हैव वेरिएबल्स. इज दैट क्लियर? अब यही भी हो गया हमारे पास द ट्रॉली. फिर ये तो हो गया, बोथ स्प्रिंग्स रिमेन्स एक्सटेंडेड, यानी दोनों ही अभी भी एक्सटेंडेड हैं, यानी फोर्स दोनों में है. फिर ये कह रहा है, शो दैट द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. बहुत ही अब तो आसान हो गया भाई, रिस्टोरिंग फोर्स अगर आपको निकालनी है, रिस्टोरिंग फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टिंग फोर्स. तो आप एक काम करो, इसको उठाकर इसमें से माइनस कर दो. यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ रिस्टोरिंग should be equal to k times e plus x minus, क्योंकि फिर सीधी सी बात है लेफ्ट साइड डोमिनेटिंग है तो फिर ये हो जाएगा माइनस k into e minus x. यहां तक पहुंच गए? अब इसको आप, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे जाकर. जरा इसको सिंप्लीफाई करो. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं पहले. सो दिस शुड बी इक्वल टू के ई प्लस के एक्स
माइनस के ई माइनस माइनस प्लस के एक्स, यहां तक पहुंच गए। इसमें अगर आप देखो तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब है कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टू के एक्स। और बोलो, दोबारा समझा रहा हूं, इधर देखो, लिसन। हाँ नहीं बेटे, अभी कहाँ पेपर चेक किए, जरा इधर देखो, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ यार। मैंने ये कहा, जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, मैं एक दफ़ा फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया था कि ये जो ट्रॉली थी, ट्रॉली को इसने राइट साइड पे डिस्प्लेस किया। शुरू में इसने इक्विलिब्रियम में रखा था, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास, मैं इधर लिख भी देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम पहले हमारे पास एफ एल की वैल्यू आ रही थी के ई, और एफ राइट की जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास के ई, दोनों पे आ रही थी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर इसने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको उठा के राइट साइड पे डिस्प्लेस किया। अगर इसने राइट साइड पे डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, ठीक है, तो मेरे पास इस साइड पर एक्सटेंशन बड़ी होगी, बड़ी होगी, यानी बाय एक्स बड़ी मेरे पास। सिमिलरली अगर x इंक्रीज लेफ्ट साइड पे हुआ तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा x। ये बात समझ में आई, प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट बेटे, आई समझ में, सही है। तो फिर मेरे पास ये एक बन गई इक्वेशन और एक इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे निकालनी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स खुद एक रिजल्टेंट फोर्स है। डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी है, बड़ी फोर्स कौन सी है, लेफ्ट वाली, राइट वाली छोटी है, तो लेफ्ट वाली को राइट वाली में से माइनस कर सकते हैं। मैंने वही किया इधर, यू कैन क्लियरली सी दैट, सही है। आप समझ में आया, प्लीज कन्विंस योरसेल्फ, दो मिनट लगाओ इसको कन्विंस करो, जब तक आप खुद लिख कर नहीं करोगे आप। लिसन, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आई इवेंचुअली गॉट द रिस्टोरिंग फोर्स एज 2x, इज दैट क्लियर, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज पे चलता है, द ट्रॉली इज देन रिलीज्ड। ओके, अब जरा सुनो, इसने कहां पे रिलीज किए, राइट साइड पे रिलीज की है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कन्वेंशन सेट कर ली थी कि राइट इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव, इज दैट क्लियर, समझ गए। अब मेरी बात जरा सुनो, द ट्रॉली इज देन रिलीज, शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो मैं इधर लिख रहा हूं रिस्टोरिंग फोर्स, स्टेटमेंट लिखकर आप करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस टू एक्स, यहां तक आ गए। अब यहां तक आ गए तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो द रिजल्टेंट फोर्स, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, इज ऑल्सो द रिजल्टेंट फोर्स। बेटे देख लो इधर, मैं आपके लिए ही करा रहा हूं। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टू के एक्स इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, सिंपल वो न्यूटन सेकेंड लॉ चल रहा है इधर, यानी एट द एंड ऑफ द डे ए इज इक्वल टू माइनस टू के एक्स ओवर एम, दैट्स इट, हो गया प्रूफ। पर इसने बोला था कि एसएसएम परफॉर्म, क्या बेटे पूरे सवाल में ये एसएचएम ही चल रहा है हमारे पास। बेटे अभी मेरे पास इसमें कंपैरिजन की तो जरूरत ही नहीं थी, सिंपल इसने रिस्टोरिंग फोर्स बोली हुई थी। क्या इतना सिंपल सा फैक्ट नहीं है, भले एसएचएम हो या नहीं हो, मेरे पास एक फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, यही अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि यही डोमिनेटिंग फोर्स है, यही मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स है, कटकटाकर। तो क्या रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं हो सकता, मैंने वही किया, सिंपल एज दैट। मैंने कुछ भी अभी ए टू का नहीं लगाया इसमें, अभी तक तो ए टू स्टार्ट भी नहीं हुआ है सवाल में, सही है, ये बात समझ में आ गई, हो गया। तो फिर इसके बाद हमारे पास ये कह रहा है, इधर देखो, अब ये कह रहा है, इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई थी, नहीं सब कुछ हो गया था। अब ये कह रहा है द मास एम ऑफ द ट्रॉली इज गिवन इन ग्राम्स, बी केयरफुल, यानी ये हो जाएगा 0.9 kg, एंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज गिवन इन द करेक्ट यूनिट्स, ये के की वैल्यू हमारे पास गिवन है। बाय कंपेयरिंग योर आंसर टू A1 and the equation in B2, determine the frequency of the oscillation of the trolley, I think majority ne correct kiya isko. Ab ye aapke paas jo major equation hai, ye to given hai aapke paas, A is equal to kya tha?
माइनस टू के एक्स ओवर एम, यहाँ तक तो थे सही है। और हमारे पास एस एच एम की अपनी इक्वेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होती है। अब मैं एक काम कर सकता हूं, ये आपको लिखना भी पड़ेगा पेपर के अंदर कि कंपेयरिंग, कंपेयरिंग आपने लिखा तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू के ओवर एम, सही है, क्योंकि यहां पर मेरे पास एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट ये रही एक्स है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट एक्स हमारे पास इस तरफ है, एक्सेलरेशन ये रही एक्सेलरेशन ये रही, तो इसका मतलब है बाकी चीजें बराबर होंगी, इज दैट क्लियर। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी और एक्सपेंड करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर पाई स्क्वायर एफ लिख सकते हैं एफ स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोला है ना इसने, इज दैट क्लियर, लिख सकते हैं। एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स 120 डिवाइडेड बाय 0.9, एफ की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, एफ की वैल्यू अगर आप निकालोगे राउंडेड ऑफ वैल्यू आपके पास आ रही होगी तकरीबन 2.6 हर्ट्ज, इज दैट क्लियर, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2.6, हो गया कोई मसला, सही है। अब ये कह रहा है, ये वाला थोड़ा सा ऑफ सेंट्रिक सवाल था, एक्सेंट्रिक सवाल है। अब मेरे समझने की क्या बात है, आपने ओ लेवल्स तो किया था ना, क्या हो गया, मुझे बोलता है सजेस्ट व्हाई द ट्रॉली इन प्रोवाइड्स अ सिंपल मॉडल फॉर द मोशन ऑफ एन एटम इन अ क्रिस्टल। मुझे एक बात बताओ, ऐसी बात है वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजिशन, क्या आपने नहीं किया है, तो ओ लेवल्स में नहीं किया हुआ है कि इस तरह का सवाल नहीं कर सकते हो क्या, एग्जैक्टली आप लिख लो इसमें इन सॉलिड्स एटम्स टेंड टू ऑसिलेट अबाउट फिक्स्ड पोजिशंस, सही है, सिंपल एज दैट। ओ लेवल वाला भी तो चल रहा है ना इसके अंदर, क्लियर है, ये काइनेटिक थ्योरी का सवाल बन गया इधर, सही है, कोई मसला। लिक्विड्स में क्या होता है, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, हमें स्पेसिफिकली सॉलिड भी लिखना था क्योंकि सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन होते हैं, तो ये हमारे पास इसमें भी, ये ट्रॉली भी तो वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन हो रही है, ऑसिलेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशन, इज दैट क्लियर, प्लीज टेल मी क्रिस्टल क्लियर हुआ सवाल, तो बेटे फिर मुझे क्या पता है कि आप लिक्विड की बात कर रहे हो या गैस की बात कर रहे हो, हाँ ये है अलग बात है। क्या हो गया, सही है। अब ये कह रहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैं इसका आंसर लिखूं, ये एक आंसर लिखा है, सुनो, इन अ सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ओनली। अब अगर मैंने ओनली लिख दिया है तो इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा। अब ये कह रहा है therefore acceleration is produced which is directed to the center of a circular path, that's it, सही है। Next question इधर देखो, मैं करा लेता हूं पूरा का पूरा। An unpowered toy car moves freely along a smooth track that is initially horizontal, we can see that the track contains a vertical circular loop around which the car travels as shown in figure 1.1. You can clearly see that hamare paas ye situation hai, yaad baat aayi, that means this toy car is going to loop the loop, right? Ab ye keh raha hai the mass of the car is given in grams, be careful, and the diameter of the loop is 62 centimeters. Assume that the resistive forces acting on the car are negligible. State what happens to the magnitude of the centripetal acceleration of the car as it moves around the loop from x to y. अब सीधी सी बात है कि जब ये x to y जा रहा होगा
एक बात आप दिमाग में पहले से ही रखो इसके अंदर कि भाई सीधी सी बात है, व्हेन इट इज गोइंग टू बी मूविंग अपवर्ड इट्स स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज, द स्पीड विल डेफिनेटली डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी. अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो हमारे पास v अगर नीचे गया तो a क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. तो इसका मतलब है कि पहला आंसर होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज. इज दैट क्लियर एट y? सही है. इनफैक्ट बीच से ही चाह रहा होगा, फ्रॉम x टू y लिखना पड़ेगा मैं, डिक्रीज फ्रॉम x टू y. सही है, ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट, Explain if the car remains in contact with the track. Explain if the car remains in contact. Why the centripetal acceleration of the car at must be greater than 9.8 meter per second? ऐसा क्यों? इसमें आप लिखो the normal contact force. ये वाला हमने केस वैसे भी किया था थ्योरी के अंदर. द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. वो तो है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट है ना, तो जो डोमिनेटिंग होता है बेसिकली उसी की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है. माइनस हो रहा होगा इसके अंदर, बट दिस इज हाउ यू यूज द लिंगो टू एक्सप्लेन इट. इज दैट क्लियर? द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ ये क्या कह रहा है, वाई द सेंट्रीपिटल मस्ट बी ग्रेटर देन, इफ इफ एक्सेलरेशन लेस देन 9.8 मीटर per second squared, the weight will become, the weight will be larger than the contact force and will be larger than the contact force. In fact, contact force would become zero. लिख लो ये आंसर. The initial speed at which the car in B moves along the track is 3.8 meter per second. Okay. इसने मुझे बोला है इनिशियल, डिटरमिन वेदर द कार इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट वाई, शो यूर वर्किंग. इसने मुझे कहा है कि इधर जब पहुंचा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसकी जो वी की वैल्यू थी वो थी 3.8 मीटर पर सेकंड. ये था, सही है. इसका मतलब है कि शुरू में इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी होगी. उसके बाद फिर ये गया इधर से होता हुआ इधर गया, तो इसमें हमारे पास पी ई इंक्रीज होगी होगी, और मेरे पास यहां पे के ई फाइनल विल बी लेस. यही होगा स्टेटमेंट, ऐसे ही होना चाहिए. ठीक है, तो क्या मैं इसके अंदर एक इक्वेशन बना सकता हूं? इधर देखो, इक्वेशन जो मेरे पास इधर बनेगी वो बनेगी इनिशियल, I hope recording on it. Initial KE is equal to increase in PE plus final KE at Y. सही है, ये statement सही है. Therefore, final KE should be equal to, हमारे पास हो जाएगा के ई इनिशियल, के ई आई लिख लेते हैं इनिशियल, माइनस पी ई. इज दैट क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी फाइनल, या वी एट वाई लिख लेता हूँ, वी वाई लिख लेता हूँ इसको,
वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के इनिशियल कितना था, 1/2 एम इन टू वो क्या था 3.8 का स्क्वायर, फिर मेरे पास आ रही है माइनस मेरे पास m, फिर मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज इन हाइट आ रही है वो आ रही है 62 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ तक डायमीटर के बने तो 62 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.62। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर एक चीज़ तो नोटिस करने वाली है कि अक्रॉस द बोर्ड m तो कैंसिल आउट हो रहा है, यानी m इज नॉट नीडेड फॉर दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, राइट? फिर अब आप जो है इसको आप ढूंढो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इन टू 3.8 का स्क्वायर माइनस 9.81 इंटू 0.62, कितना आ रहा है अंडर रूट लगाकर 1.6 क्या? हाँ, एक हाफ मिस हो गया है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सही है? तो ये अब कितना रहा, 1.6 मीटर पर सेकंड हो गया, सही है? अब जरा सुनो, अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तो vy की वैल्यू आई है, अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि आप इधर से यहां पे जाओगे, अब फाइनल निकालते हैं एक्सेलरेशन एट y इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 1.6, बल्कि मैं तो कैलकुलेटर वर्जन यूज करूंगा, 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास जो है रेडियस कितना है इसका, कितना 0.31, कितनी आ रही है 7.34 ms माइनस 2, सही है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है fc इज लेस देन हमारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सही है? इनफैक्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बस सिर्फ लिख दो एफ सी इज लेस देन वेट, एफ सी इज लेस देन वेट, सो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज एबसेंट, सो फॉल्स डाउन, नहीं तभी रहेगा, वैसे गिर जाएगा टेक्निकली, वह रहेगा भी और गिरेगा भी, ये मतलब कहने का मतलब है, वो वाला नहीं होता एक एक, एक मेन पॉइंट होता है मिडिल पॉइंट, जैसे अगर हमारी गाड़ी चल रही है फॉरवर्ड फोर्स रिवर्स फोर्स के बराबर हो जाए, कॉन्स्टेंट स्पीड हिट नहीं हो जाती, अभी भी चल रही है, और अगर शुरू में ही रुकी हुई थी तब भी फॉरवर्ड फोर्स और रिवर्स फोर्स जो है बराबर होते हैं, सही है? क्लियर है? अब ये कह रहा है सजेस्ट विद अ रीजन बट विदाउट कैलकुलेशन वेदर योर कंक्लूजन इन सी वुड बी डिफरेंट फॉर अ कार ऑफ मास दिस मूविंग अलोंग द सेम इनिशियल स्पीड, नो मास कैंसल्स आउट एन एनर्जी इक्वेशन। आप दोबारा से ये मेंशन भी कर देना, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको मेंशन भी इधर कर देना, क्या m gets cancelled out, सही है? या आप इधर ये कर देना यूं करके एरो दिखा देना कि भाई देख लो इधर, सही है? ठीक है, गलत तो नहीं कर सकता, लॉजिकली वो गलत तो नहीं कर सकता, या आप देखो मास प्लेज नो रोल इन दिस बिकॉज द मास गेट्स कैंसल्ड आउट इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन, ये आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, इज दैट क्लियर? ओके गाइज, ये मुझे कह रहा है अ बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स दैट ऑर्बिट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट सी एज शोन इन फिगर 8.1, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा सुनो, द स्टार ऑफ मास m1
इसमें M1 और M2 और ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली करना है. द स्टार ऑफ मास M1 हैज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1. ये 2004 का सवाल है बाय द वे. एंड द स्टार ऑफ मास M2 हैज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R2. ओके, बोथ स्टार्स हैव द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा. इसने खुद ही बता दिया है, ये तो स्टेटमेंट पहले ही कह दिया है. इसका मतलब है कि सेंट्रीपेटल फोर्सेस भी दोनों की बराबर होंगी. यहाँ तक तो पहले ही बात समझ में आ गई. ठीक है, अब ये कह रहा है, स्टेट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी दिस 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 फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू स्टार्स. बहुत खुद बोल रहा है भाई दोनों स्टार्स के बीच में. तो यार इधर से लेकर इधर तक का भी जो डिस्टेंस होगा इस डायग्राम में वो R1 प्लस R2 ही होगा. अब पता नहीं फॉर सम ऑड रीजन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर गॉट दी फॉर्मूला. जो मेजर फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू GMM ओवर R2. स्क्वायर लगाने ही भूल गए. सही है, तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया R1 प्लस R2. तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर लगाना भूल गए आप लोग. सही है, याद है पहुंचे. अब मुझे बोलता है द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द स्टार ऑफ मास M1. ओके, M1 का सेंटर से डिस्टेंस कितना है R1. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें क्या होगी, FC इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर. सही है, इज दिस क्लियर. ये भी हो गया हमारे पास, सिंपल एज दैट. 2 मार्क्स तो सिंपल थे लेकिन ये असेंशियल पॉइंट थे. अगर ये गलत हो गया तो सब गलत हो गया आगे जाकर. समझ गए. अब ये कह रहा है दी स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर इन अ टाइम ऑफ दिस. अगर ये वाला स्टेटमेंट भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे इसने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एंगुलर स्पीड. ये भी लिखा हुआ था अगर क्वेश्चन गौर से पढ़ते तो. फिर इसके अंदर मुझे बोलता है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा फॉर ईच स्टार. दोनों का सेम है, किसी भी स्टार का निकाल लो. सो एट द ओमेगा शुड बी इक्वल टू 2π/T होता है. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय 1.26 इनटू 10^8. निकालो ओमेगा कितना आ रहा है, एक और बता दो. 4.99 अभी रख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी प्रेसिशन मेंटेन है. 5 भी कर दो कोई मसला नहीं है. याद है, पहुंच गए. अब जरा सुनो, इनटू -8. ओके, सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, शो दैट द रेशियोज ऑफ द मैसेस ऑफ द स्टार इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. बहुत सिंपल है, एक की सेंट्रीपिटल. भाई हमें पता है कि दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे होंगे तो एक की सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरे की बराबर हो जाएगा. सिंपल एज दैट. सो FC, या मैं इसको लिख सकता, तो मुझे स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना यार, ये करना पड़ेगा हमें. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन M1 शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन M2. लिख सकते हैं, तो पहली वाली का क्या बनेगा, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर. सो दिस शुड बी इक्वल टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर. ये और ये कैंसिल आउट हो गए तो इसका मतलब है कि M1 over M2 इज इक्वल टू R2 over R1. सिंपल एज दैट. कितनों ने सही किया ये, मतलब यार आप लोग को कर तो रहे हो, एफर्ट तो कर रहे हो आप लोग. मैं ये देखो, ये बात तो है कि आपको बेटे एक मिनट प्लीज लिसन. शो दैट बोला है ना, अगर आप डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आते हो तो आप कैसे शो कर रहे हो. बस ये तो आपने सिर्फ एक इक्वेशन मेंशन की है. नहीं तो आप लिखने में क्या जा रहे हैं यार. भाई एक बात याद रखना,
एक ही सवाल पूरे पेपर में आएगा, जब एक ही दफ़ा आएगा, पांच छह दफ़ा तो नहीं आएगा ना ये सवाल, तो एक दफ़ा लिख लो पूरी ऐसी चीज़ लिखो ताकि एग्जामिनर जो है उसके पास कोई लॉजिक नहीं हो मार्क काटने की। Why give the examiner chance to cut your marks? सही है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब मुझे बोलता है M1 over M2 is equal to 3, इधर देखो, तो M1 over M2 is equal to 3 का मतलब है, और M1 over M2 is equal to R2 over R1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं R2 over R1 is equal to 3, the separation of the stars is this, यानी इसका मतलब है कि क्या मैं लिख सकता हूँ R1 plus R2 is equal to 3.2 into 10 to the power 11। सीधी सी बात है, एक तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से आ गई रेशो से, और एक इक्वेशन यहाँ से आ गई सेपरेशन ऑफ द स्टार्स, तो दोनों के स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस था R1 plus R2 है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और R1 और R2 की वैल्यू बता दो। फिर ये मुझे बोल रहा है By equating the expressions you have given in A and using the data calculated in B and C, determine the mass of one of the stars. के C का भी एक का मास निकालना है आपको, तो हम लोग ये डेटा यूज करके करेंगे। भाई हमारे पास है फोर्स की एक इक्वेशन है, उसको बराबर कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, निकाल लेते हैं, सही है। तो अब मेरे पास चॉइस है, मेजर इक्वेशन तो ये है, तो देख लो जी एम वन एम टू ओवर आर वन प्लस आर टू स्क्वेयर। अब मेरे पास चॉइस है, मुझे किसका मास निकालना है आप अपनी बता दो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्सेस तो दोनों पे सेम है, तो एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर लगा दें, सही है, यहां तक पहुंच गए। या आप एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर भी लगा सकते हो, किसी एक का मास आएगा। अब जरा सुनो, इधर देखो, अब आपके पास इधर से m1 कैंसिल आउट, अब मुझे बताओ r1 प्लस r2 की वैल्यू तो इधर गिवन है, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 टू पावर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1, कितना था r1 अभी निकाला था हमने, 8 इंटू 10 रेस्ट पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 4.99 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ओके। बेटे अब ये आप छोटी छोटी गलतियां करोगे तो बेटे कचरा हो जाएगा ना। कितना आ रहा है मास एक का, मास कितना आ रहा है बेटे, निकालोगे कैलकुलेटर आप लोग के पास से, मुझसे बोल रहे हो 6.9 आपने, आपका ये आ रहा है, इसका आ रहा है 3.1 इंटू 10 टू पावर 29, तो ये आ रहा है 3.1 इंटू 10 टू पावर 29 केजी, सही है, यहां तक पहुंच गए। अब आपके पास जो है, जरा सुनो, सिंस अब आप जो है 2016 ऑनवर्ड पेपर देते हो, मुझे बोलता है स्टेट वेदर द आंसर इज फॉर द मोर मैसिव स्टार और फॉर द लेस मैसिव स्टार। अब एक चीज करना, लिसन, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि स्टेट बोला है तो दूसरे का मास भी निकाल लो, बात ही खत्म हो जाएगी आपके पास। आप वो शो नहीं करना क्योंकि सिर्फ स्टेट बोला है ना, इधर स्टेट का मतलब तो सिर्फ आपको लिखना है कि लेस है या मोर है। नहीं 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 नहीं, सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके साथ कनेक्टेड है, अगर आपने इसको गलत दिया तो दूसरे पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब जरा सुनो, आप एक काम करो, छुपचाप छुपके से M1 की भी वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है वो, तो वो वाला 9.2 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला कितना हुआ, लेस हुआ ना, तो इसका मतलब है स्टेट विद इज फॉर द मोर मैसिव स्टार और द लेस मैसिव। उससे भी कर सकते हो आप, उससे भी कर सकते हो, या
अगर सीधी बात है कि आप सोचना कम चाह रहे हो, दिमाग पे जोर कम लगाना चाह रहे हो, स्टेट बोला हुआ है, तो क्यों ना आप दोबारा से वैल्यू छुपके से निकाल लो। खत्म बात, वो देख थोड़ी रहा है कि आपने क्या किया है, स्टेट बोल रहा है, हो गया, समझ गए। तो बेटे पेपर के अंदर इंटेलिजेंट अप्रोच, अगर आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट करना चाह रहे हो सोचने पर, तो फिर आप सोचो, या फिर आप जो है हार्डवर्क थोड़ा सा कर लो, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार अभी कौन इतना रेशियोज को देखे, आप डायरेक्ट दूसरे के पे मास निकालो, कितनी देर लगती है, कैलकुलेटर आपके पास होता है पेपर के बीच में। इज दैट क्लियर, हो गया ये वाला सवाल सॉल्व? तो बस दैट्स इट आई गेस। अब रुक जाओ,